This call is now being recorded. Yeah, good morning everyone. In continuation to trigonometric functions, we already talked about degree and radian measure, and we did consider the problems based on converting from degree to radian and vice versa. So based on this, that was the question, the assignment given to you, wherein we use specifically for third question the formula for n-sided regular polygon each equal internal angle is given by is equal to n minus 2 by n into 180 degrees. Theek hai Akshar, perfect. So making a use of this formula, you must have got that for pentagon n is 5 aur iska each angle actual mein aata hai 108 degrees. Ye yaad hona chahiye. Followed by now few more questions quickly from the assignment. In a right angle triangle, ये आपको गिवन है डिफरेंस वगैरह इन टर्म्स ऑफ रेडियन आइडिया लग रहा है तो ये हो गया 90 डिग्री मींस पाई बाय 2. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इज पाई बाय 18 ये गिवन है. फाइंड एक्सप्रेस द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, क्या पता है हमें और यहां एंगल इसको सी कह देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस पाई. इसका मतलब ए प्लस बी सी तो मेरा पाई बाय 2 ही था पाई और इन अदर वर्ड यस ए प्लस बी इज 90 degrees, but I would prefer to write in terms of radians. क्योंकि answer मुझे finally अच्छा degrees में निकालना है. तो आप चलिए पहली equation radian में given थी और ये आ गई मेरी second equation. Solve them together. तो solving का मतलब जब आपने add करा 1 and 2 को, b will cancel. 2a will be pi by 18 plus pi by 2. So 2a will be LCM liya 18 pi plus kitna aa jayega 9 pi. So that would give me 2a is 10 pi by 18 aur a will be ye 2 cancel hua 5 pi by 18. Aapko degrees mein chahiye to aap पाई की जगह लिख देंगे 180 डिग्रीज. सो कितना आ गया ये आंसर 1050 डिग्रीज राइट. तो समवन हैज ऑलरेडी आंसर्ड दिस. आई थिंक मिस दैट यस इन फैक्ट अक्षत बता दिया. चलिए ठीक है 50 डिग्रीज और दूसरा आ रहा है 40. भाई एक 50 आ गया तो एक ऑलरेडी 90 था तो दूसरा थर्ड एंगल जो होगा डेफिनेटली दैट वुड बी 40 degrees, your required answer. I hope the idea is simple and clear to all of you. Check out this question. The angles of a triangle are in AP. Arithmetic progression mein hai. The number of degrees in the least to the number of radians in the greatest is 60 ratio pi.
फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस। सबसे पहली बात, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एन एपी, लेट द एंगल्स बी, क्या लेना चाहिए? एनीवन? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। यस, गुड। ए माइनस डी एंड ए एंड ए प्लस डी। रीजन, सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज नॉन टू मी। एंगल सम प्रॉपर्टी से वी नो दैट दिस आंसर इज 180 डिग्रीज, सो दैट 3a इज 180 डिग्रीज और a इज 60 डिग्रीज। देयरफॉर a की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, अभी के हिसाब से एंगल्स क्या हो गए, a की जगह 60 डिग्रीज लिख रहा हूं। तो बेसिकली ये मेरे एंगल्स हैं डिग्रीज में। अब d कैसे निकलेगा? कंडीशन देखिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मेन आता है स्टेटमेंट का रोल, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा एंगल, तो ये इसकी रेशियो किसके साथ कही है? नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट ये वाला एंगल होगा 60 प्लस डी, बट अब इसमें रेडियन में कहा है, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा? ये रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 से, और ये रेशो किसके इक्वल गिवन है? 60 रेशो पाई, 60 अपॉन पाई। So that's the most important step of this question. Read the language once again. Can you please repeat this again? आप चेक करिए आपके पास क्या कहा है। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, लीस्ट माने इन तीनों में तो सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट वन इज 60 माइनस डी, जो ऑलरेडी डिग्रीज में ही था, तो 60 माइनस डी डिग्रीज में है। यहां पर किसके साथ रेशो कही है? नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 60 प्लस डी होगा, बट ये अब आपको डिग्रीज में गिवन है, तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल रूल अब आप याद करिए, पाई रेडियन होता है 180 डिग्रीज, तो अकॉर्डिंगली हमने ये कन्वर्ट किया और ये आंसर वैल्यू जो लिखा गया है आवर डिनोमिनेटर आ गया वो रेडियन में, जब मैंने उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। ओके सर, पाई होता है 180 डिग्रीज, इन अदर वर्ड 180 डिग्री था पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बाय 180, 1 डिग्री पता है तो 60 प्लस डी कितना होगा? आप 60 प्लस डी को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। सो यूजिंग दैट फंडामेंटल कंसेप्ट वी गॉट द डिनोमिनेटर, और ये रेशो कितने गिवन थी? 60 रेशो पाई, तो 60 अपॉन पाई यूज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई पाई से, तो पाई वैसे कैंसल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, गेट द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू ऊपर रिप्लेस कर देंगे, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर, टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन इन अ चैट बॉक्स। एंड देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के मैं आपको हमेशा 15 मिनट बाद ही कहूंगा, हो सकता है क्लास स्टार्ट होते ही आफ्टर 3 मिनट्स आई विल से मार्क योर अटेंडेंस, और क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, तो ये रैंडम बिल्कुल रहेगा एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आई शुड नॉट रिपीट दिस,
अगेन एंड अगेन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ दोज हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ, जस्ट 3-4 मिनट्स अगो. ओके क्रिश, ठीक. एंड यूर इन्वॉल्वमेंट इन द डिस्कशन इज अगेन मैटर्स द मोस्ट, ये याद रखिए. तो जो मेरे को मैसेजेस में जिनके आंसर्स भी बीच में आते हैं, दोज हु आर आस्किंग देयर डाउट, दोज हु आर इन्वॉल्विंग, राइटिंग देयर सॉल्यूशंस, सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. प्लीज इस चीज का ध्यान रखना. I need your active participation in the discussion, in the class flow. To join करना और बैठना सिर्फ पर्पस नहीं होना है, प्लीज याद रखिए. चेक आउट दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ टू रेगुलर पॉलीगन्स आर एज 5:4, और वो ही आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स. तो पहले इतनी ही अंडरलाइन सिचुएशन से मैं क्या ले सकता हूं, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी 5x and 4x, 5:4 है ना. नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 degrees. डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, तो एंगल्स का मतलब ध्यान से सोचिए, नंबर ऑफ साइड्स अब मेरा अगर 5x है तो फार्मूला क्या था, n-2/n (180 degrees). तो n की जगह 5x रख दिया, (180), और इसका डिफरेंस सेकेंड वाले में कितना है एंगल, 4x है. n को रिप्लेस कर दिया 4x के साथ, और ये डिफरेंस गिवन है 9 degrees. थिंक लॉजिकली, सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, पुट कर देंगे इन 5x and 4x. I'm waiting for you to understand this. सोचे जरा ध्यान से ये. Any doubt to anyone? अब अगेन ये देख लीजिए, क्लास 9th का ही फॉर्मूला हमने यूज किया है. Consider now, what exactly are our trigonometric functions? Look at this unit circle. Radius is 1. Therefore, it is referred to as a unit circle. And therefore, we call our trigonometric functions as a circular functions also. Because we are now defining them logically using a circle. So, if the radius is 1, assume that on the circumference of the circle, there is any point P, A, comma B. Look carefully. Right. Or, aapke paas, check it out. Ye. Ye A distance ho gaya, OM. Aur MP kitna ho gaya? P distance. Aur central angle humne le liya hai, X ke equal. Theek hai? अभी यहां तक से समझिए, और ये 10 है, 01 है, ये तो ऑब्वियस है. अब अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, तो इस ट्राइंगल में
इन ट्राइंगल पी ओ एम राइट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स. साइन क्या होता है, साइन एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. और ऐसे ही कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस. और अगर अब मैं इन रिलेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूं तो आप चेक करिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इसी ट्राइंगल में व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वन का स्क्वायर होगा सी स्क्वायर, दैट इज ओपी का होल स्क्वायर. दैट इज हमने सिंपली क्या जस्टिफाई कर दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन. तो इन टेंथ ऑफ कोर्स वी हैव यूज्ड दिस डायरेक्ट फॉर्मूला, बट हमने एक सिंपल यूनिट सर्कल के थ्रू इसको नोटिस करा है, जस्टिफाई किया है कि वाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन. इवन अगर अब आप इस फॉर्मूले को दोनों तरफ डिवाइड कर दो से विद कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा फर्स्ट टर्म, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर और प्लस वन हो गया, एंड वन बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स. रिकॉल दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला जो आपने याद किया हुआ है टेंथ में, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स. सेम रिलेशन को अगर मैं अब डिवाइड कर देता हूं साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर और वन बाय साइन स्क्वायर आ गया कॉसिकेंट स्क्वायर. सो आई विल गेट दिस थर्ड फॉर्मूला. तो समटाइम इट हैपन्स इवन वी गेट कंफ्यूज्ड ये वाला और ये वाले फॉर्मूला में भी, इलेवेंथ में भी. तो द इजीएस्ट वे इज, ये तो बेसिक रूल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन. To just divide this by cos square or by sin square to get the respective different two more formulas. अब जो मैंने second formula लिखा है, one plus tan square x is secant square x. इन्हीं की terms को अगर मैं rearrange कर देता हूँ, then I can say secant square x minus tan square x is one. इसके फॉर्मूला की टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन. तो ये सारे डिडक्शंस भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब अगर मैं बात करूं लेट से सेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आई कैन Now use class 8th का formula to factorize this. A square minus B square को लिख दिया, A minus B into A plus B. That is secant x plus tan x into secant x minus tan x is equal to 1. So that way we can extend our list of formulas. But for everything, do remember we are making use of this base formula only. ये एक फॉर्मूला याद है तो यू कैन गो ऑन एडिंग द लिस्ट. नाउ क्विकली रिकॉल सर्टेन वैल्यूज जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है टेंथ में. कॉस जीरो डिग्री वन, साइन जीरो डिग्री जीरो, कॉस पाई बाय टू, ये कॉस 90 डिग्री लिखा हुआ है. तो अब हम धीरे धीरे 90 डिग्री की जगह 90 को पाई बाय 2 लिख रहे हैं. ऐसे ही साइन 90 डिग्रीज या साइन पाई बाय 2 1. नाउ फॉलोड बाय सर्टेन न्यू थिंग्स विच विल बी मोर क्लियर जब हम बात करेंगे इन फंक्शंस के ग्राफ्स की. तो ग्राफ में थोड़ा सा बाद में लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के,
कॉस पाई होता है माइनस वन, साइन पाई इज जीरो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टैन पाई, तो टैन पाई इज ऑल्सो जीरो। देन ये कुछ फॉर्मूला जो बता रहा हूं ये स्पेसिफिकली याद होने चाहिए, कॉस थ्री पाई बाय टू जीरो, साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन, दो वी विल बी विजुअलाइजिंग देम यूजिंग द ग्राफ्स, कॉस टू पाई वन, साइन टू पाई जीरो। इनफैक्ट इट विल फॉलो क्वाइट लेट, बट हम अभी भी इस चीज को एक मैं आपको रूल बता देता हूं, साइन एन पाई इज ऑलवेज जीरो फॉर ऑल इंटीजर्स जेड, कॉस एन पाई इज माइनस वन की पावर एन फॉर ऑल एन एज इंटीजर्स, टैन एन पाई इज अगेन जीरो फॉर ऑल एन एज इंटीजर्स। पर अगर ये मैंने जनरल फॉर्मूलाज को समझ लिया तब आप नोट करिए इनमें से आप ये जो ये वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यूज एंड ये वाली वैल्यूज, यू कैन इजीली आंसर देम। ये सिक्स वैल्यूज तो एक्चुअली इन तीनों फॉर्मूलाज से ही डिड्यूस हुई हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थ्री फॉर्मूलाज। एनी डाउट टू एनीवन? सर ये इसका मतलब जो थ्री पाई बाय टू में होता है उसके अंदर ये नहीं लगेगा ना फॉर्मूले साइन? नहीं, उस केस में नहीं है, बिकॉज एन शुड बी इंटीजर। अब थ्री पाई बाय टू हो, फोर पाई बाय थ्री हो, देन वी हैव अ डिफरेंट रूल्स। तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक रूल लिया है जो इजी है, बाकी बाद में आएंगे। इन्हें नोट करिए लेफ्ट राइट साइड में जो मैंने फॉर्मूला लिखे हैं। और अब इट इज हाईली रिकमेंडेड आप रजिस्टर में अपने कम से कम थ्री पेजेस छोड़ दीजिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। इट इज बेटर टू कंपाइल ऑल द फॉर्मूलाज एंड जॉट डाउन लिस्ट देम एट वन प्लेस। तो थ्री पेजेस ऑफ द रजिस्टर्स आप रख लीजिए, एटलीस्ट टू पेजेस जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूलाज ही लिखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो टू टू थ्री पेजेस रजिस्टर के आने वाले हैं, तो देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज विच विल बी रिक्वायर्ड, स्टार्टिंग विद दीज थ्री सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज। चेक इट आउट, ये यहां मेंशन कर ही दिया था, साइन एक्स जीरो कब हो रहा है, साइन एक्स का आंसर कब है जीरो, व्हेन एक्स इज एन पाई। तो ये सिचुएशन, और सिंपली मैं कह दूं साइन एन पाई इज जीरो, दैट्स द सेम थिंग। इनफैक्ट ये जो है फॉर्मूला, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस एक्स कब जीरो होता है, व्हेन x is the odd multiple of pi by 2. In simple word, cos of any odd multiple of pi by 2 is always 0 for n as integer. So you can add this fourth formula in your list. Now, quick question for you, everyone. What is the value of sine 11 pi? Zero. Okay, yes, good. Mridul aur bhi answer aa gaye. What is the value of cos 11 pi? So minus 1. Minus 1. एन की जगह माइनस वन रख दिया तो ये आ जाएगा, राइट, ग्रेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 28 पाई? सर वन।
सिंपल इट्स वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 117 पाई? जीरो. सिंपल दिस इज जीरो. यस आई एम चेकिंग द चैट ऑल्सो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 11 पाई बाय 2? जीरो. दैट इज जीरो. और वहां अब हमने ये लास्ट फॉर्मूला सोचा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो इस तरह से अगर मैं बात करता से कॉस ऑफ से इवन 383 पाई बाय 2 तो इट हार्डली मैटर. जीरो. ऑड लिया है मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आंसर विल बी जीरो. वेरी गुड. सो चैट भी मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ. फर्स्ट पोर्शन जो अब आप देखेंगे ये आपने टेंथ में किया हुआ है. क्या मतलब कोसेकेंट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स, सीकेंट एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स, टैन एक्स साइन अपॉन कॉस एक्स, कॉट एक्स कॉस अपॉन साइन एक्स. राइट. सो दिस इज ऑलरेडी नॉन टू यू इन क्लास टेंथ हो चुका है. अब जो फर्दर बात करी गई है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्योंकि जब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की जहां पर भी हमें वो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है डोमेन एंड रेंज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन एंड रेंज असाइनमेंट ऑफ रिलेशन फंक्शन में सिर्फ दो क्वेश्चंस दिए थे बट आई हैवंट डिस्कस्ड रीजन क्योंकि वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. वो कॉन्सेप्ट और ट्रिगो के बाद ही हो सकता था तो दे विल नॉट बी ऑफ कोर्स कमिंग इन योर यूटी वन. ट्रिगो से बेस्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे. कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस व्हाई एक्स कैन नॉट बी एन पाई? यस मल्टीपल ऑफ 180. इसका मतलब नीचे जीरो कब होगा? व्हेन एक्स इज एन पाई. तो जीरो कब नहीं होगा? व्हेन एक्स इज नॉट एन पाई. और व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक इज नथिंग बट यूर डोमेन. तो इसका मतलब अगर मैं बात करता व्हाट इज द डोमेन ऑफ कोसेकेंट एक्स, लॉजिकली सोचिए डोमेन ऑफ कोसेकेंट एक्स क्या हो गई है? एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई. प्रॉपर भी क्या लिख देंगे ऐसे फिर एक्स एंड एक्स कैन नॉट बी एन पाई. एन पाई के अलावा कुछ भी वैल्यू अगर एक्स ले लेता है एनी रियल वैल्यू दैट इज फाइन. आई होप इसी से डायरेक्टली आपको कॉट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नीचे जीरो नहीं हो सकता. केशुक यू हैव सम डाउट? यू रेज योर हैंड. ओके इसी तरह से अब आप चेक करिए जैसे ये है सीकेंट क्या होता है? सीकेंट एक्स 1 ओवर कॉस एक्स. कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए. और कॉस एक्स जीरो कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. वी जस्ट डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड कॉस जीरो ये रहा. कॉस जीरो कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. 2n प्लस 1 गारंटेड ऑड है तो ऑड नहीं होना चाहिए तभी मेरा सीकेंट एक्स डिफाइन होगा. सेम वे वी कैन टॉक अबाउट टैन एक्स. तो टैन एक्स की डोमेन क्या है? एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ओके
ओके ठीक है किंशु, ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहां तो देखो ये क्या लिखा है, फॉर एनी एक्यूट एंगल से थीटा वी हैव द फॉलोइंग थ्री फॉर्मूलास, इवन इफ इट इज द नॉट एन एक्यूट एंगल द सेम रिजल्ट होल्ड ट्रू। तो फॉर एनी ऑब्ट्यूस एंगल ऑल्सो cos square theta plus sin square theta is 1 and so on. Now some new results for you. For any acute angle theta, negative वाले देखिए, cos minus theta is cos theta only. और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है ना, तो सीकेंट माइनस थीटा वो भी सीकेंट थीटा आ जाएगा, बट साइन माइनस थीटा बिकम्स माइनस ऑफ साइन थीटा। और इसका रेसिप्रोकल अगर मैं देखूं तो कॉसिकेंट होता है, और कॉसिकेंट माइनस थीटा वो भी माइनस कॉसिकेंट थीटा आ जाएगा। फाइनली टैन माइनस थीटा होता है माइनस टैन थीटा, एंड इसका रेसिप्रोकल को देखें तो वो भी कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्विक एग्जाम्पल ले रहा हूं, से साइन ऑफ माइनस पाई बाय थ्री क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय थ्री, माइनस ऑफ साइन पाई बाय थ्री, सीकेंट ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स, सेक पाई बाय सिक्स, कॉस ऑफ माइनस 18 डिग्रीज, सर cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्रीज, tan ऑफ माइनस 17 पाई बाय 3, माइनस 17 पाई बाय 3, माइनस बाहर आ जाएगा बाकी एज इट इज। दैट वे अभी सिर्फ इतना आपको समझ आना चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे ट्रिग्नोमेट्री है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग ऑफ द फॉर्मूलास। तो फॉर्मूलास ज्यादा होंगे, कंफ्यूज अगर आप होते हैं कुछ भी नहीं हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये याद रखिए। सो प्लीज डू लर्न द फॉर्मूलास प्रॉपरली, तो एन एग्जांपल्स के साथ समझते रहिए। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट आप चेक करिए, दिस इज रेफर्ड टू एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट्स से दिस इज ओरिजिन, दिस इज माय इनिशियल रे, ये अब मैं इस इनिशियल रे से मूव हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ये ऐसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं। तो दिस इज द टोटल 180 डिग्री एंगल फॉर्म एज ऑफ नाउ। फिर मैं आगे बढ़ा 270 डिग्री एंगल फॉर्म्स, और फिर मैं वापस पहुंच गया इनिशियल पोजीशन पर, तो अगेन 360 डिग्रीज, मींस 0 डिग्री एंड 360 डिग्रीज दे कोइंसाइड। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कहो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इवन, क्योंकि रोटेशन के बाद कितना भी एंगल हो वो हमेशा हमारा 0 से 360 डिग्रीज के बीच में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में योर ऑल टी रेशियोस आर पॉजिटिव, क्या मतलब साइन हो, कॉस हो, टैन हो या इनके रेसिप्रोकल हो, दे ऑल आर पॉजिटिव
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज द किंग, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड एज वेल एज इट्स रेसिप्रोकल इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो सिर्फ साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग ऑल फोर विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट इज फॉर टैन। What does that mean? In third quadrant, tan and its reciprocal, they are only positive. Rest other four trigonometric functions are negative. Or fourth quadrant mein cos hai, which is always positive and it's reciprocal. So please learn this. और यहां पर वी ऑलवेज राइट लाइक दिस ए एस टी सी। सो देयर आर मेनी एब्रिविएशन फॉर्म्ड फॉर द सेम टू लर्न। सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और आफ्टर स्कूल टू सिनेमा और कुछ सुना हुआ है एनीथिंग एल्स या किसको ये भी नहीं पता हो? एनीवन अवेयर ऑफ एनीथिंग? और यू मे हैव योर ओन मिनोमिक किस तरह से याद करना है? तो ए एस टी सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्यों इस चीज को लिखा गया है? ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन, टी स्टैंड फॉर टैन, सी स्टैंड फॉर कॉस। सो दैट वे वी कैन इजीली लर्न कि ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो यू नीड टू लर्न दिस कंसेप्ट, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड लर्न इट। एनी डाउट अप टू दिस स्टेप? नो सर। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन एक बार फिर से। तो दैट्स अ सिंपल थिंग, रिमेंबर कैसे करना है लिखकर बता दिया है एंड द साइन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये और बेटर एक्सप्लेनेशन है बट अदरवाइज दिस इज सफिशियंट। एनी डाउट टू एनीवन और एल्स आई विल एंड द क्लास एंड यू कैन लीव द मीटिंग। चलो थैंक यू वेरी मच। You can leave the meeting now. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye-bye. Vishal and Rohit, leave the class.